चलो बाय बाय बाय। Hi guys, I hope you all are doing good and staying safe. Welcome back to the new video. आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ. इनफैक्ट फरवरी के बाद जब हम सौरभ की शादी में बनारस गए थे तो उसके बाद जाके चार महीने हुए आज मैं शूट कर रहा हूँ. तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग आ गए थे अपने होम टाउन श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में और आज हम जा रहे हैं वापस नोएडा. तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, नॉट जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर. और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है नोएडा. तो आई थिंक हम शाम के 6-7 बजे तक नोएडा पहुँच जाएंगे. श्रीनगर जो है वो पौड़ी ज़िले में आता है और अभी श्रीनगर से हम बाहर निकले ही हैं और ये पुल आया है यहाँ पर, इसको क्रॉस करते ही हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगे. ये बात, ये जगह है कीर्ति नगर. क्या हो रहा है, राइट से ले चलूँ इसके? अच्छा गाड़ी है वहाँ पे. तो अभी यहाँ पर कीर्ति नगर चेक पोस्ट पे पूरी एंट्री कराई गई, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ को जा रहे हैं, मोबाइल नंबर पास चेकिंग. ये देखो टीनू लेफ्ट साइड में, कुछ याद आया? बनाओ इसका वीडियो बनाओ. ये हमारी शादी का वेन्यू, होटल चाहत मलेथा में. तो ये जो छोटा सा गांव है यहाँ पर, इस गांव का नाम है मलेथा और एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है. तो ये जो गांव है मलेथा, तो काफ़ी साल पहले, बहुत पहले यहाँ पर ना पानी नहीं आता था तो लोगों की खेतीबाड़ी नहीं हो पाती थी. तो यहाँ के एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं श्री माधव सिंह भंडारी जी. तो उन्होंने क्या किया था, नदी से लेकर और इस गांव तक सुरंग खोद दी थी ताकि पानी आ जाए नदी का. बट किसी कारण से वो पानी आ नहीं पा रहा था, नदी का पानी सुरंग में. तो एक दिन उनके सपने में देवी माता आई, उन्होंने बोला कि उनको अपने पुत्र की बलि देनी पड़ेगी. तो तब जाके जब उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी तब जाके गांव में पानी आया. तो देखो गांव वालों की भलाई के लिए, गांव में पानी लाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी. तो यहां गांव में ना उनकी मूर्ति भी बना रखी है. रियल स्टोरी है. कितना ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चल रहा है अभी सड़क का काम. ये मेन हाईवे है बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए. तो यहाँ पर अभी 1-2 सालों से ऑल वेदर रोड बन रहा है बट अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया. काफ़ी सारे पैचेस हैं जो कि सही हो चुके हैं लेकिन काफ़ी सारे पैचेस ऐसे हैं अभी. अब शायद मेरा नंबर आ जाएगा, आप कोई मताना भाई. पहाड़ों में हमेशा ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी को रास्ता दें. सो गाइस, अभी हम रुके हैं देवप्रयाग पे. प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है. मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये है देवप्रयाग, यहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है. जो राइट वाली नदी है वो है अलकनंदा और जो लेफ्ट वाली है वो है भागीरथी. तो अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ की साइड से और जो भागीरथी आ रही है वो गोमुख से आ रही है और यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलके गंगा बनती हैं. वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ है जेसीबी, देख रहे हो वहाँ से गिरा रहा है वो बड़े बड़े पत्थर. वो देखो ये ऐसी सड़कें देख के ना अपनी स्पीटी वाली ट्रिप याद आ गई. क्यों, लास्ट टाइम हम इन दिनों स्पीटी पे थे, आज कितनी तारीख है, 20. तो आज हम काजा पहुंचने वाले थे. गाड़ी में क्या खचाखच सामान भरा हुआ है. अब जब ये निकलेगा ना सोसाइटी में
जब जाएंगे तो तब पता चलेगा कितना सामान है। तो गाइस रुकते चलते हमने अभी तक ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स कवर कर दिया है और 11:20 टाइम हो गया है अभी तक। तो अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तीनों क्या है मेनू में? आलू की सब्जी और रोटी पराठा। मम्मी ने बना के दिए हैं जीरा आलू पराठे। वाह साथ में मिर्च का अचार भी है। चलो शुरू करते हैं। नाश्ता भी कर लिया, चाय भी पी ली और अब निकलते हैं अपन लोग क्योंकि आगे की जर्नी काफी लंबी है। अभी लगभग 300 किलोमीटर कवर करने हैं अपने को। चलें टीना सेठ, रेडी हो आप? यस। कई जगह तो रोड एकदम क्या मक्खन बनी हुई है एकदम। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तेज भगाऊं 300 की स्पीड में? भगा दूं पक्का? डरोगे तो नहीं? चलो बोलो 1 2 3 गो। कैसा लगा टीनू 300 की स्पीड में? मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। आज अगर माइकल शूमाकर भी मेरे साथ रेस लगा रहा होता ना, मैं उसको भी हरा देता। आज फॉर्म में हूँ मैं। डर तो नहीं लगा ना? नहीं। अब आराम आराम से चलेंगे, काफी कवर कर लिया हमने 300 किलोमीटर की इस रफ्तार में। इट्स 3:30 PM एंड वी हैव कवर्ड अराउंड 200 किलोमीटर्स और अभी हम ये रुके हैं मुजफ्फरनगर के पास लंच के लिए। तो तीनू लंच का मेनू क्या है? आलू की सब्जी और चपाती। अच्छा इस बार ये डिफरेंट है कि पराठा नहीं है चपाती है। लंच रेडी? चलो शुरू करो। ये रहा चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अभी गूगल मैप्स की देखे तो 2 घंटा 40 मिनट लगेगा अपने को पहुँचने में। अराउंड 130 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलते हैं। भाई साहब ये देखो सर्विस लिफ्ट हो गई है पूरी फुल। तो 7:30 हो गए हैं शाम के और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। टाटा बाय बाय गुड नाइट।